भाई सामने एक भाई आके रेस कर रहा है मेरे साथ। तिमके तिमले किस अंकित, आप यहाँ पर क्या करने आए हो? न ढाका न मुहार श्रृंगार ले। सो व्हाट्स अप गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड अभी ना मैं हूँ अलीपुर द्वार में, इनसे मिलने आए थे रात को और वापस जा ही नहीं पाए, तो इधर ही रुक गए थे अलीपुर द्वार में। अभी जा रहे हैं यहाँ से बीरपारा, क्योंकि बीरपारा में आज छोटा मोटा एक मीटअप प्रोग्राम है जो सौरभ भाई अरेंज कर रहा है। तो सौरभ भाई के इनविटेशन मिला है मुझे, इसलिए मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। सो लेट्स गो बीरपारा गाइस, फ्रॉम अलीपुर द्वार टू बीरपारा एंड देन बीरपारा टू सिलीगुड़ी आज का राइड। सो गाइस, निकल चुके हैं अलीपुर द्वार से एंड बहुत गर्मी है यार, बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं अपना डोमिनार नहीं चला रहा हूँ, अभी मैं चला रहा हूँ नवीन भाई का डोमिनार, क्योंकि मेरा डोमिनार है सर्विस सेंटर में, आप लोगों को पता होगा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था लास्ट टाइम, तो रिपेयरिंग चल रहा है, जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी हम जा रहे हैं कोई लोकल शॉर्टकट रास्ते से, क्योंकि सामने निलिप्तो भाई है, लोकल है तो उसको पता है यहाँ का रास्ता सब, तो हाईवे से नहीं जा रहे हम लोग, शॉर्टकट जा रहे हैं कहीं रास्ते से। सो गाइस, हम ना जा रहे हैं गांव के बीच से एंड रास्ता मस्त है, मतलब गांव के बीच में भी ना ये छोटे से रास्ते में भी अपना लीन गेम चल रहा है। सामने निलिप्तो भाई, तो गाइज यहाँ पर है अपना मोंटी भाई, आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब लास्ट हम लोग मिले थे कुछ भी यार मीटअप में एंड उसके बाद आज मिल रहे हैं। तो ये मोंटी भाई का एरिया है नीमती, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट, ठीक है ना? चल फिर भाई, मिलते हैं फिर, फिर मिलेंगे एकदम भाई। सो निकल गए हैं नीमती से एंड 1:15 हो रहा है, सो आई हैव 45 मिनट टू रीच बीरपारा। एकदम आराम आराम से जाएंगे, 40-50-60 का स्पीड में और पहुंच जाएंगे बीरपारा 2 बजे। सो बीरपारा के लोगों मिलते हैं बस थोड़ा देर में। क्रॉस कर रहे हैं हासीमारा का फॉरेस्ट, धीरे 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 माता जी। गाइस हम पहुंच गए जल्दापारा नेशनल पार्क एंड ये देखो राइनो एंड यहाँ से 10 मिनट में पहुँच जाएंगे बीरपारा एंड सामने देख सकते हो इंस्टा 360 एंड अभी देखो इसका क्लिप कैसा दिखता है। ऑलमोस्ट 2 बजने वाला है तो सब लोग पहुँचने वाला है, मैं भी पहुँचने वाला हूँ एंड सही टाइम पे पहुँचने में अलग मजा आएगा। इस सब लोग वेट कर रहे हैं, एंटर कर रहे बीरपारा, लेकिन पहले ना मतलब मीटअप लोकेशन पे नहीं जाएंगे, पहले जाएंगे बजाज शोरूम। अपना लकी का क्या हाल है देखेंगे, पता करेंगे एंड उसके बाद जाएंगे मीटअप लोकेशन। सो यह गाइस पहुंच गए बीरपारा का बजाज शोरूम, दिस इज द वन। बैठे हुए बीरपारा में बजाज सर्विस सेंटर में एंड वहाँ पर है अपना बाइक, और यहाँ पर ना बोल रहे हैं कि वारंटी क्लेम नहीं होगा, बनाने का तो बना देगा लेकिन पैसा देना पड़ेगा। तो अपना बाइक वारंटी में है तो पैसा तो हम देने से रहे, तो कल परसों मैनेज करेंगे और बाइक को ले जाएंगे सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी अपना सही जगह है, वहाँ पर सब कुछ बन जाएगा गाइस। तो अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं मीटअप लोकेशन पर। बैठे हुए अंकिता कैफे में, मतलब एक्चुअली ये बंदा लोग ना बहुत लेट कर रहा है, तो हम अकेले तो जा नहीं सकते मीटअप में, इसलिए यहीं पे बैठे हुए हैं। आदि भाई, क्या हाल चाल? एकदम आदि भाई, सब बढ़िया। सो गाइस यहाँ पर अपना एडी भाई, राइडर एडी फ्रॉम बीरपारा, जिससे उस दिन मिला था आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में, फिर से इनके पास आ गए। एक्चुअली ही केम टू रिसीव मी, सो नाउ वी आर गोइंग टू द मीटअप लोकेशन एंड हमारे बाकी बंदे जो है ना वो स्पीड से निकल चुके हैं, उनको पता ही नहीं चला कि हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। एक दो बूंद बारिश भी गिर रहा है तो मज़ा तो आने वाला है भाई। और लोग बोल रहे बाबू भैया है, मतलब बाबू भैया का फैन बेस इतना तगड़ा है ना भाई,
मतलब कोई सुपर बाइक देखने से सबसे पहले ना बाबू भैया का ही नाम लेते हैं। एंड ये देखो गाइस, ये चेक करो वीरपारा की जनता। हेलो भाई, क्या हाल है? हेलो भाई, व्हाट्स अप गाइस, हेलो ब्यूटीफुल पीपल। लोग नहीं पहचान रहे ना मेरा बाइक नहीं है बोल के। हेलो, एकदम भलो आछी भाई, भलो आछो? हेलो भाई, वन सेकंड ग्राउंड बता वडा घूमी ना आउने नि तपाई गाइस। अभी ना आछु मैं ग्राउंड में एंड ये चेक करो गाइस, सब लोग डुकाटी के पीछे पड़ा हुआ है। मेरा नाम आदित्य है और आज ना मैं वीरपारा आया हूं लोगों से मिलने। एंड ये चेक करो, तो भाई व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? अंकित। आप यहां पर क्या करने आए हो? मुझे देखने आए हो? थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। आपका नाम क्या है? तबरेज। आपका नाम क्या है? रौनक। आपका? अमृत राय। अमृत भाई, आपका नाम क्या है? अजीत। आपका नाम क्या है? एंड आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो? थैंक यू सो मच भाई, सब लोग मेरे से मिलने के लिए आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। दिन के तिमले किस कंटेंट बोलते हो? कंटेंट भाई। सो गाइस, यहां पर हुआ ध्रुव भाई का एंट्री एंड उसके साथ साथ देखो मतलब इनलाइन फोर का ना साउंड का बात ही कुछ अलग है। सारा सो मिलता है फिर से भाई, थैंक यू सो मच। आप लोग सब व्लॉग में आ रहे हो? सो गाइस, फाइनली निकलने का टाइम हो गया, फिर से मिलेंगे भाई। बाय बाय गाइस, बाय बाय, जरूर जरूर जरूर। तो ध्रुव भाई ने आज पूरा तहलका मचा दिया। सो एडी भाई बीरपाड़ा के, जिन्होंने मैनेज किया ये मीटअप। लेट्स गो बैक टू सिलीगुड़ी गाइस। बीच में बस आधा घंटे के लिए घर घुसा, थोड़ा सा खाना खाया, राइडिंग जैकेट पहन लिया क्योंकि आगे ना वेदर थोड़ा ठंडा होने वाला है। सो अभी हम जा रहे हैं सिलीगुड़ी वापस। एंड रास्ते में शायद कुछ लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि कुछ टैग आया हुआ है इंस्टाग्राम में, अभी चेक किया मैंने। सो रास्ते में मिलते हुए जाएंगे सबसे। सामने टोल प्लाजा है, वहाँ पर रुकेंगे 2 मिनट और 5:30 बजने वाला है, रील पोस्ट करेंगे। एंड उसके बाद 15 मिनट में पहुंच जाएंगे माल बाजार, जहां पर टैग आया है रास्ते में, भाई लोग वेट कर रहे हैं। सो विल स्टॉप हियर फॉर 2 मिनट्स। सो फाइनली पेट्रोल पंप दिख गया, तो थोड़ा सा इसका टैंक को भरा जाए और अपना टैंक को खाली किया जाए। सो माल बाजार क्रॉस्ड गाइस, गाइस यहां पर भाई लोग मेरा वेट कर रहा था काफ़ी देर से। हेलो गाइस, क्या हाल है? क्या हाल है भाई, सब बढ़िया? 3 बजे से। अरे भाई 3 बजे से वेट कर रहे हैं? मैं तो बोला मैं 5:30 बजे के बाद पहुंचूंगा। एकदम 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 भाई। भाई सामने एक भाई आके रेस कर रहा है मेरे साथ, तो इसलिए मैंने स्पीड अपना एकदम कम कर दिया क्योंकि बंदा सामने ना हेलमेट भी नहीं पहना है और जा रहा है एकदम मतलब नागिन के चाल में। ये देखो, तो यार ऐसा हरकत मत किया करो, हेलमेट वेलमेट पहन के सेफली चला करो। हाँ कभी कभी मैं भी बिना हेलमेट का रील डालता हूँ, वो सिर्फ शूट के लिए होता है यार, और वो हाईवे में नहीं होता है। इसको रेस करना है मेरे साथ, इसलिए मतलब वो स्लो कर रहा है, मैं आगे जा रहा हूँ, फिर आगे ओवरटेक कर रहा है, फिर स्लो कर रहा है, और इसलिए मैं चल रहा हूँ 40-50-60 का स्पीड में। क्या कर रहा है भाई। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं अपना घर मतलब अपना टाउन सिलीगुड़ी। एंड सिलीगुड़ी घुसते ही यहाँ पर लगा है ट्रैफिक जाम, पता नहीं क्या चीज़ का। चलो थोड़ा आगे चलते हैं तो दिख जाएगा।
तो भैया जाम में फंस गए, आधे घंटे से जाम में फंसे हुए हैं हम। ऑटो भैया और टोटो भैया लोगों के वैसे ना मतलब चलना बड़ा चाप हो चुका है, और हमारा बाइक का रेडिएटर का पंखा जो घूम रहा है, मतलब बाइक हो चुका है ओवर हीट, क्योंकि अभी 100 किलोमीटर जो चल के आया है बाइक, इसको चाहिए अभी शांति। ऐसे ट्रैफिक होगा तो कैसे चलेगा भैया। तो एक्चुअली ना गाइस क्या है, सामने मेला लगा हुआ है, तो सब अपने अपने बच्चों को लेके परिवार को लेके मेला घूमने आए हैं, एंड इसी वजह से ये जाम लगा हुआ है। हम फंस गए जाम में, ला 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 ला। इस जीवन में सिर्फ स्पीड का नहीं ट्रैफिक जाम का भी मजा लेना चाहिए क्या। ओ भाई हट जा भाई, ओ भाई ओ भाई हट जा, इधर है ट्रैफिक और इधर चल रहा है झगड़ा भाई। फाइनली पहुंच चुके सिलीगुड़ी, मतलब बहुत खतरनाक ट्रैफिक पार करने के बाद, मतलब जितना देर ना डुअर से सिलीगुड़ी पहुंचने में नहीं लगा उससे ज़्यादा देर मुझे यहां तक पहुंचने में लगा। एंड फाइनली वी ऑन द डिनर टेबल, तो खाना खा रहे हैं। तो ये वाली ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड, एंड आप लोगों को मिलते हैं अगली ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, एंड थैंक यू सो मच।